सबसे पहले तो मैं श्री गुलवेज होदा जी हैं उनको उनका स्वागत करना चाहूँगा। उनका परिचय, वो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी वो संबंधित रहे हुए हैं और पूर्व में बिहार प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। बिहार को काफ़ी अच्छे से समझते हैं और अभी वो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड काफी काम कर रहे हैं। और इसके बाद बट ये लड़ाई जीतने के लिए हमारे स्टेट और बिहार की जो जो इंडस्ट्रियल व्यवस्था है, जैसे बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, वो बिहार में जो है दूसरे स्टेट से लौट के आ रहे हैं। तो एक और सोच ये भी है कि इन सारे माइग्रेंट्स उनके उनके हमारे जो मजदूर भाई हैं उनका एक स्किल सेट है। तो क्या हम इस स्किल सेट को यूज करके और शायद हम एक बार फिर से एक इंडस्ट्रियलाइज्ड बिहार बनाने का अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? सर गुलरेज सर, आपका क्या व्यू होगा? आपसे ये हम लोग हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। शुक्रिया विनय शेखर जी और आई बिहार जो आप लोगों ने मुझे इसमें शामिल होने के लिए मौका दिया और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार मेरा। ये तो अच्छी सोच है कि हर संकट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अवसर होता है और उस अवसर के बारे में ही सोच के पॉजिटिव बन के आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में सोचना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योगीकरण हो पाएगा ये भी अच्छी सोच है और हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप है, पर उद्योगीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई स्विच तो है नहीं कि एक दिन मैंने स्विच ऑन कर दिया और अगले दिन से इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाएगा। उसके लिए आपको एक व्यावसायिक वातावरण तैयार करना पड़ता है, जो निवेश करने आते हैं जो लोग, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं और मैं क्या किया जा सकता उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। मैं समझता हूं कि अल्प अवधि जो है, जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, जो इतने लाखों लोग वापस से आए हैं, इनके आय के स्रोत सारे खत्म हो गए हैं। बिहार में वर्तमान इतनी इंडस्ट्री नहीं है या जो इंडस्ट्री है यहाँ लोकल लोग लगे हुए हैं, 1.5-2 करोड़, 1 लाख 3 लाख जो संगठित क्षेत्र है, तो इन लोगों के लिए अलग से आय के स्रोत हम लोग को ढूंढने पड़ेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, कि जो निर्माण का काम होता है सार्वजनिक क्षेत्र में, इसको अल्प अवधि में शॉर्ट टर्म में हम लोग को आगे लेके, सरकार को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। मसलन जो हमारे सड़क का निर्माण है, जो भवन का निर्माण है, इसमें जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोग उसमें फंडिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, उनको जल्द से जल्द लागू कर देना होगा। मैं उसका एक उदाहरण दे सकता हूं। मैं चंपारण का रहने वाला हूं। चंपारण से लेके किशनगंज तक इंडो नेपाल बॉर्डर रोड बन रहा है, सारे लैंड एक्विजिशन प्राय उसमें हो चुका है। क्यों नहीं इसी मौका को लेके हम लोग इसको एक युद्ध स्तर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड है जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत जरूरत है बिहार को, उस पे हम लोग ध्यान देके पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम बात करें। उसी तरह से जो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भवन निर्माण का काम है, उसको हम आगे क्यों नहीं ले, जो हम 2 साल बाद करने वाले थे, 3 साल बाद करने वाले थे, उनको अभी कर लें। मतलब आगे लाके अगर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हम चालू करते हैं तो मैं सोचता हूं कि अल्प अवधि में ये काफी इन लोगों को आय का स्रोत मिलेगा। इसी बीच हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उद्योगीकरण के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। जो निवेश करता है वो परसेप्शन पे जाता है, धारणा पे जाता है, तो सोचना होगा कि बिहार के बारे में या बिहार की जो आर्थिक स्थिति है या जो आर्थिक माहौल है या जो निवेश का माहौल है उसके बारे में परसेप्शन कैसा है बाहर। आप बैंगलोर रहते हैं, आप हमसे बेहतर जानते होंगे क्या धारणा होगी, तो उस धारणा को कैसे हम लोग बदल सकते हैं,
उस पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और उसमें दो तीन मुद्दे हैं, एक तो जरा अपना सिक्योरिटी व्यवस्था, पुलिसिंग व्यवस्था, इसको ठीक करनी होगी। लैंड का जो मामला है, जो भूमि प्रबंधन का मामला है, उसको ठीक करना होगा। और एक बार जब परसेप्शन ठीक हो जाता है तो जो हम उद्योग नीति बनाएंगे, हमेशा उद्योग नीतियों में सब्सिडी लोग डालते हैं। बिहार में भी था 2016 के पहले जो कैपिटल सब्सिडी था, आप इतने करोड़ रुपए के निवेश कीजिए, उसमें 20% 25% आपको सब्सिडी मिलती थी। 2016 के बाद उसी को इंटरेस्ट रेट सबवेंशन कर दिया, मतलब कि आप जितना भी उसका ब्याज देते हैं उसका एक हिस्सा सरकार देगी निवेश के बाद। मेरा सोचना है कि हम लोगों को निवेश को रोजगार से जोड़ना चाहिए, इसलिए हम कैपिटल सब्सिडी से हट के हम उसको वेज सब्सिडी के तरफ ले जाना चाहेंगे। मतलब कि आप 10 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो उस पे हम आपको सब्सिडी नहीं देना चाहेंगे। आप इस 10 करोड़ निवेश करने के बाद 100 लोगों को रोजगार देते हैं तो हर आदमी का जो तनख्वाह है या औरत का तनख्वाह है उसमें हम 1% आपको सब्सिडी के हिसाब से देंगे। तो इससे क्या होता है कि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं और ये उद्योग चलता है, चालू रहता है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ संक्षेप में मैं कह रहा हूं, बट ये अवसर बहुत अच्छा है। और जो भी नई सरकार आएगी बिहार में उसको ये सब इस सब चीजें के बारे में सोचना चाहिए कि अगर उद्योगी करना है बिहार में तो कैसे किया जाए और किस नीतियों के आधार पे किया जाए। धन्यवाद सर। दो तीन आपने जो पॉइंट्स कहे, एक तो जो सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी होता है वो अगर रोजगार से जोड़ के रखा जाए तो ये एक अच्छी पहल होगी ताकि वहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिले। हम लोग ऐसे लोग बाहर रह रहे हैं, हम भी वापस आए। गुलवेज सर, आप पास, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं और सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी के क्राइसिस में सर, अगर बिहार स्टेट की फिस्कल पोजीशन देखी जाए या फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाए तो अभी आप अभी क्या सिचुएशन है? जैसे बिहार को बहुत सारा जो है पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला है, और अभी के सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद जीएसटी कलेक्शन नहीं मिल रहा। 1,00,000 करोड़ जो हुआ करता था अभी वो 37,000 करोड़ अप्रैल मंथ में था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वो बंद हो गए हैं। जो ऑयल से पैसा आता था जो स्टेट एक्सचेंज को, वो भी अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने के कारण वो भी नीचे आ गया है। तो सर आगे बिहार के जो वेलफेयर काम है तो वो कैसे होंगे या फिर क्या उसमें क्या किया जा सकता है जैसे इस कठिनाई को जो है हम लोग उबर पाए और आगे बढ़ पाए? जी शुक्रिया विनय जी। दिल तो चाह रहा है कि मैं भूमि के बारे में बात करूं पर आपका स्ट्रक्चर है इसलिए मैं भूमि के तरफ नहीं जा रहा हूं। अगर ज्यादा वक्त मिलेगा तो अंत में तो आप हमें मौका दीजिएगा तो मेरे भी कुछ सोच है कि भूमि जो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो निवेश के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत अहम चीज है और उसके बारे में हम लोग को बात करना चाहिए कि भूमि व्यवस्था हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। पर अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं दूंगा, मैं आप जो आपने सवाल पूछा है वित्तीय अवस्था पे उस पर बात करूंगा। मुझे सही आंकड़े नहीं मालूम होंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? नहीं, हम बोले कि आप ये बोलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में भूमि पे जो हम लोग आपकी बातें सुन लेंगे, हम लोग आपके स्ट्रक्चर पर हम चलेंगे। देखिए वित्तीय अवस्था आंकड़े तो हमारे पास नहीं है सरकार में क्या हो रहा है, पर कोई भी आदमी इस वक्त जो जितना खर्च हो रहा है, जितनी जिम्मेदारियां हैं सरकार के ऊपर और आगे चल के जो और जिम्मेदारियां आएंगी, इससे तो लगता है कि सरकार की जो वित्तीय अवस्था है काफी टाइट होगी, बहुत प्रेशर होगा सरकार के ऊपर। तो सवाल फिर उठता है कि फिर ये सब जो सारे काम करने हैं कहाँ से, स्रोत क्या है फाइनेंस के और इन सब को कैसे झेलना चाहिए। मैं आपको जरा एक
क्या आकार है हमारे बिहार के फाइनेंस का, दो आंकड़ों में मैं दे देता हूं। अगर आपको संसाधन साधन बढ़ाना है तो या तो जो आपके आय हैं उनको आप बढ़ाते हैं या जो व्यय हैं उनको घटाते हैं, कभी आपके पास हाथ में पैसा बचता जाएंगे अच्छा काम कर सके। तो जो आय का जो मुद्दा है उसमें बिहार के अपने खुद का जो साधन है, और अगर उस साधन को आप अनुपात लीजिए कि कुल साधन का अपना साधन कितना है, तो यह करीब 20-22% आता है, और राष्ट्रीय औसत दूसरे प्रांतों को सबको मिला के आप देखिएगा तो ये एवरेज करीब 50% पे आता है। इसका मतलब यह है कि बिहार के पास अपने स्रोत से अपना अपने आय अपने साधन बहुत कम मात्रा में है, और ज्यादा मात्रा में हम लोग निर्भर हैं केंद्रीय ट्रांसफर के, जो वहाँ सेंट्रल ट्रांसफर होते हैं, या तो जो टैक्स शेयरिंग होता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, या ग्रांट से एड होता है, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं, इन सब माध्यम से पैसे आते हैं। तो ये रही बात साधन आय की तरफ। अगर आप व्यय के तरफ चले जाए तो एक आंकड़ा जो देखा जाता है वो है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर आपका कितना है। अगर आपको पैसा बचा के निकालना है पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे एक्सपेंडिचर को दूसरे व्यय को कम करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना विकल्प है यहाँ पे। तो एक आंकड़ा होता है कमिटेड एक्सपेंडिचर का, माने प्रतिबद्ध व्यय, कि इसको करना ही करना है आपको। बिहार में ये करीब 26-28% है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 72% में आप सब मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं, पर फिर भी आपके पास कुछ गुंजाइश है बिहार में कि अपने एक्सपेंडिचर को अपने व्यय को थोड़ा डिले करके जो अभी अर्जेंट काम है, जो इमरजेंसी काम है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए काम है, उसके लिए पैसा निकाला जाए। इसके अलावा बिहार के पास विकल्प है कि जो ऋण लेने की क्षमता है, बोरोइंग कैपेसिटी, उसको केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। एक एक्ट है जिसके तहत आप 3% फिस्कल डेफिसिट पे वो बाधा रहता है, उसको 5% ले गया है, तो आप ऋण ले सकते हैं बिहार सरकार। पर इस इमरजेंसी में ऋण का दर बहुत बढ़ गया, ब्याज दर। अभी केरला कुछ दिन पहले गए थे पब्लिक बोरोइंग करने के लिए, तो उनका जो रेट है करीब 1% 1.5 परसेंटेज पॉइंट से 2 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा बढ़ गया है इस इमरजेंसी की वजह से। तो अगर केरला में ये हो रहा है तो आप बिहार में समझिए कि यहाँ के जोखिम के हिसाब से रेट कितना बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा कीमती तरीका होता है। आखिर में आके बिहार को केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड जिसको कहते हैं उस पर निर्भर करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में तो भाजपा की सरकार है, लोग कहते हैं जेडीयू की सरकार है, पर यहाँ तो मिली जुली सरकार है, तो भाजपा को सरकार से कुछ उन लोगों को ग्रांट इन एड मिलना चाहिए। पर ये कहने के बाद एक जो बहुत गंभीर मुद्दा उठ के आ रहा है इस संकट के वक्त, वो जो मैं देखता हूं, तो ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है, खास करके जो वित्तीय फेडरल सिस्टम है, ये संघ जो ढांचा है, इस पे कहीं ना कहीं एक टेंशन आ रहा है इस क्राइसिस की वजह से। उदाहरण के तौर पे स्वास्थ्य स्टेट एक्टिविटी है, राज्य लोगों की जिम्मेदारी होती है, सब काम राज्य कर रहे हैं, पैसा केंद्र सरकार के पास है, लिस्ट में कनकर इंटर स्टेट माइग्रेंट और इंटर स्टेट क्वारंटाइन और रिलेटेड टू दैट इंटर स्टेट रिपैट्रिएशन, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, पर केंद्र सरकार ये नहीं करके राज्य सरकार पे ये थोप रही है। तो जितना एक्सपेंडिचर है इस संकट में, क्राइसिस में, आप समझिए कि स्टेट पर थोपा जा रहा है। पर स्टेट के पास, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हार्ड कंस्ट्रेंट है, इनके पास दो ही स्रोत होते हैं, या तो अपने साधन बढ़ाइए या ऋण लीजिए। केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त साधन होते हैं,
जिसका ये लोग इस्तेमाल करके ग्रांट इन एड दे। ये अतिरिक्त साधन क्या है, मैं आपके दर्शक ये श्रोताओं को बताना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। पहला तो है कि ये एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकते हैं, विदेशी ऋण ले सकते हैं, खास करके ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, विश्व बैंक है, ADB है, और इन सभी से सुनने में आया है करीब $3 बिलियन केंद्र सरकार ने ऋण दिया। दूसरा जो बहुत बड़ा स्रोत इनके पास है, ये सेंट्रल बैंक से ये बोरो करते हैं दो तरीके से। तो जैसे सरकार को अगर ऋण उठाना है तो मार्केट में अपने बॉन्ड को बेचना पड़ता है, केंद्र सरकार डायरेक्टली RBI को बेच सकती है। तो उनके पास एक बहुत तगड़ा साधन है RBI, जिससे ये पैसा उठा सकता है। और अगर कुछ नहीं है तो RBI नोट छाप सकती है, नोट छाप करके आपको दे देगी केंद्र सरकार को। उसके इफेक्ट्स हैं, उसके नतीजे होते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं इन्फ्लेशन के अनेक। और तीसरा स्रोत जो है, जो अभी उठ के आया है, ये है कि जो कच्चे तेल का जो दाम विश्व बाजार में कम हुआ है, उसका लाभ केंद्र सरकार ने 100% ले लिया है। और कैसे लिया है कि कच्चे तेल के दाम में और जो मार्केटिंग प्राइस है जो आपको पेट्रोल पंप में बिक रहा है, इस गैप को उन्होंने स्पेशल वैट बना के अपने तिजोरी में रखी है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज केंद्र सरकार की। तो तीनों स्रोत केंद्र सरकार के हैं और जिम्मेदारियां आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये एक टेंशन आ रहा है और बहुत से स्टेट ये बात उठा रहे हैं कि भाई हमारी वित्तीय तंगी में, वित्तीय अवस्था में आप एक नए नजरिए से देखिए और हमें ग्रांट एड दीजिए। मेरा खुद का मानना है कि इस इमरजेंसी के लिए जो हमारा फाइनेंस कमीशन अभी चालू हो रहा है, उसको एक विशेष रिपोर्ट देना चाहिए कि इस इमरजेंसी से जूझने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को और कितना पैसा आना चाहिए केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार के पास और अतिरिक्त स्रोत हैं पैसा उठाने के लिए। मैं यही रुक जाता हूं, अगर कोई सवाल होगा तो मैं और तफसील से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने स्टेट फिस्कल सिचुएशन और क्या क्या स्रोत हैं वो हमारे दर्शकों को और हम लोगों को भी बहुत नई बातें पता चली। एक एक जैसे आप लैंड के बारे में बता रहे थे, वो आप कृपया बता दें तो हम लोग को भी और पता चलेगा कि क्या है, कैसे है। नहीं, भूमि देखिए, भूमि ऐसी चीज है जो अगर उसको, भूमि प्रबंधन को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हम विकास के तरफ नहीं बढ़ सकते। उसमें कृषि पे भी उसका नतीजा निकलता है, इम्पैक्ट होता है, और उद्योग पे भी होता है। मेरा खुद का मानना है कि हम अभी भूमि सुधार की बात नहीं करते हैं, हमको भूमि प्रबंधन की बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें डिपार्टमेंट का नाम बदलना चाहिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राजस्व कुछ नहीं निकलता आजकल भूमि से, ये राजस्व निकलता था टोडरमल के जमाने में, उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में, तो 47 के बाद कहां राजस्व निकलता है। अच्छा, भूमि प्रबंधन का मतलब है कि जो लैंड रिकॉर्ड है, जितना खराब और जो हालत लचक हालत बिहार में है, शायद ही किसी स्टेट गवर्नमेंट में लैंड रिकॉर्ड की यह हालत है। और इसके कारण है, हमारी जो जमींदारी थी, जमींदारों के पास बहुत से कच्चे रिकॉर्ड होते थे और उनके पास उनकी शुद्धिकरण नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई उसके बारे में भी बहुत सारे कारण है। तो मेरा मानना है कि पहले हम लोग को अपने लैंड रिकॉर्ड को ठीक करना होगा, और इस लैंड रिकॉर्ड को ठीक करने का एक सही तरीका है जो फिलॉसफी है लैंड ओनरशिप, उसको नए सोच से सोचना होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि आज जो हमारे भारतवर्ष में लैंड ओनरशिप है, इसको प्रिजम्प्टिव राइट कहते हैं, कि माना जाता है कि ये जमीन विनय की है, जब तक कोई दूसरा आके इस पे दावा ना बोल दे कि नहीं विनय की नहीं है, क्योंकि विनय के छोटे भाई ने इसको हमें बेच दिया है, तो फिर आप लोग कोर्ट में जाइएगा और कोर्ट फैसला करेगा ये विनय की जमीन है,
कि विनय के छोटे भाई को जिसने बेचा वो जमीन है, प्रिजम्प्टिव राइट है, हालांकि खतियान में या दस्तावेज में आपका होगा। हमको इस प्रिजम्प्टिव राइट से उठ के एक दूसरे तंत्र पे जाना है जिसको कहते हैं कंक्लूसिव टाइटलिंग। ये बहुत सारे देशों दुनिया में कंक्लूसिव टाइटलिंग का तंत्र आ गया है। इसमें ये होता है कि अगर विनय के नाम में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम है तो सरकार गारंटी करती है कि यह विनय की जमीन है, और अगर विनय बेदखल हो जाता है उस जमीन से तो आपको मुआवजा देगी सरकार कि सरकार की गलती से आपको इसमें से बेदखल किया गया। तो हम लोगों को कंक्लूसिव टाइटलिंग के तरफ जाना चाहिए, और अगर पूरे स्टेट में नहीं कर सकते हैं तो जहां जहां हम उद्योग लगाना चाहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनके 20 किलोमीटर के दायरे में, या आप 5 डिस्ट्रिक्ट में पायलट के तौर पे इस तरह के आपको सुधार लाने की जरूरत है। और फिर भूमि सुधार और सीलिंग वगैरह वही सब बात की बात है। मैंने सोचा मैं ये भी डाल दूं आपके डिस्कशन में। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग को नए जनरेशन के लोग हैं, हम लोग को भी बहुत सारी बातें पता चल रही है, और ये मतलब सुनते तो बहुत थे पापा से, बट एक बार और रिन्यू हो गया और अच्छे से टेक्निकल फैक्ट के